करते थे पहले का देना चाहिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर सिंह ठाकुर एलएम के जो ओनर चलाते हैं, जो काम करते हैं, उनको 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो अप्रूवल आती है, वो भी बहुत जद्दोजहद करने के बाद। तो इसमें आई थिंक लोगों की काफ़ी टाइम से लोगों की समस्या है, तो इसको थोड़ा गेरअप करने की जरूरत है, ताकि लोगों को एक तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर क्योंकि जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसमें बोनाफाइड बनाना है, हिमाचली सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, इसमें बहुत सारे लोगों की मतलब बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि अच्छा। वो जैसे लोक मित्र केंद्र भी वो इसी काम के लिए हैं जी, उसमें भी क्या है कि सर नैरो जगह है, अभी मुझे इतना यहाँ का आई कैन सपोर्ट करने के बाद मुझे थोड़ा भी पता है पीएनबी का अच्छा बाजार का भी सही जा रहा है। मैसेज पहुँचाए उसी की वजह से जो है प्रदेश जो है देश में उसका स्थान अच्छा है, बिलासपुर भी इस दिशा में अच्छा ही कर रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन जो देखना चाहता है वो ही देख पाता है, तो आप एक आईने की तरह काम करते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इसमें मैं बहुत ओपन हूँ, अगर कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि जो है प्रशासन की गतिविधियों में और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप समय समय पे वो आईना दिखाते रहें, इससे प्रशासन के लिए तो इसमें बेहतर रहता है और जनता को भी इसका लाभ मिलता है, रोमांचित होगा और अपेक्षित होगा। धन्यवाद। आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े जो बंधुगण हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए और मुझे जो है अपने आप से और यहां की जनता से रूबरू होने का मौका दिया आप सभी ने। बिलासपुर एक ऐतिहासिक स्थान है, इसका जिक्र जो है इतिहास में लगभग 7वीं शताब्दी से ही, जब इसका नाम कहलूर इनिशियली रखा गया तब से इसके बारे में वर्णन है इस जगह का। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह मुझे अपनी सेवाएं प्रदान करने का सरकार की तरफ से जो है मौका मिला, तो आप सभी का सहयोग जो है इसमें अपेक्षित रहेगा और हम जो है एक टीम की तरह आगे बढ़ें और क्षेत्र का विकास जो है मिलके कर सकें, इसमें मुझे आपका भी और समस्त जनता का सहयोग चाहिए होगा। मेरी प्राथमिकताओं में यहाँ पे कई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे 4 लेन भानुपल्ली रेलवे लाइन, एम्स का है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इनके कामों में गति प्रदान करी जाए, वो मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी, कोशिश रहेगी। इसके अलावा प्रदेश और जो है केंद्र सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका भी जो है मैं बारीकी से अध्ययन करके और उसके माध्यम से जो है उन स्कीमों के माध्यम से कल्याणकारी स्कीमों का पूरा जनता को लाभ मिले, ये भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। और उसमें जो है जनता के लिए जो है एक लिंक के रूप में आप मुझे सहयोग दें, ये मेरी आपसे कामना रहेगी। बाकी अब अनलॉक 5 की प्रक्रिया से हम कोविड का जो ये महामारी है इससे हम जो है सारा विश्व भी जूझ रहा है, और धीरे धीरे थोड़ी सी इसमें ये महसूस किया गया है कि लैक्सिटी थोड़ी सी जनता के स्तर पे आई है, तो मैं ये नहीं कहता कि इससे डरना चाहिए, पर इससे हमें लड़ना है और मिलके दूर भगाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी खुल गई हैं, थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो है बेरोजगारी भी कुछ लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं, सृजित किए जाएं, ये भी प्रदेश सरकार की हमें डायरेक्शन है। और कुछ मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना और अन्य केंद्र की योजनाएं भी इसी डायरेक्शन में जो है उनका ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं, तो
अभी इसमें भी प्राथमिकता पे कार्य किया जाएगा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो हैं युवाओं को प्रदान किए जा सके। तो आपका सहयोग मैं अपेक्षित करता हूँ। धन्यवाद।